उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के दौलतपुर के रहने वाले अमरेंद्र प्रताप सिंह इन दिनों अपने क्षेत्र में चर्चा का विषय है। वजह है नई तकनीक से खेती। अमरेंद्र अभी 60 एकड़ जमीन पर खेती करके एक दर्जन से ज्यादा फसलें उगा रहे हैं, जिससे वो सालाना 1 करोड़ रुपए की कमाई भी कर रहे हैं। 35 साल के अमरेंद्र एक सरकारी स्कूल में टीचर थे। खेती के लिए वो साल 2014 से नौकरी से लीव विदाउट पे हैं। जब अमरेंद्र लखनऊ से अपनी नौकरी छोड़कर वापस अपने गांव आए तो लोगों ने कहा कि लोग खेती छोड़कर नौकरी करने जाना चाहते हैं और तुम सरकारी नौकरी छोड़कर खेती करने आ रहे हो। लेकिन अमरेंद्र ने इसके बावजूद भी अपना निर्णय नहीं बदला। इसके बाद अमरेंद्र ने गूगल और यूट्यूब की मदद से केले की खेती के बारे में रिसर्च की, फिर 2 एकड़ जमीन पर केले की खेती शुरू की। पहले तो सभी लोग मना करते थे कि आप गलत जगह पे जा रहे हैं, यहाँ पे लखनऊ में रह के भले ही कुछ भी करिए लेकिन यहीं रह के करिए, जो भी करना है आपको, बिजनेस करें या जो भी करें यहीं पे रह के करें। लेकिन हमने कहा नहीं, हमें गांव में ही अपना भविष्य देखना है और हम वहीं पर जा करके कुछ नया करेंगे, तो फिर हमने गाँव में आ कर। अमरेंद्र कहते हैं कि कई बार मौसम की वजह से फसल मार खा जाती है। इससे बचने के लिए उन्होंने अल्टरनेटिव प्लान तैयार किया है और एक फसल के साथ वो दूसरी फसल भी लगाते हैं, ताकि अगर एक फसल खराब हो जाए तो दूसरी से उस नुकसान की भरपाई हो सके। नुकसान तो जरूर होता है, कभी कभी ये हो जाता है कि किसी क्रॉप में हमने जैसे जो परिणाम सोचे कि हमारे ये परिणाम आने हैं, लेकिन बीच में बारिश हो गई, जो कि कृषि में बहुत सारी चीजें क्लाइमेट पर डिपेंड होती हैं, पर्यावरण पर डिपेंड होती हैं। कभी टेम्परेचर देर तक हाई रह गया, कभी जल्दी ठंडी आ गई, तो इन चीज़ों का असर थोड़ा बहुत होता है। लेकिन इसीलिए हम लोग क्रॉप रोटेशन चेंज करते रहते हैं और कई सारी क्रॉप्स करते हैं, एक साथ 2-3 क्रॉप्स इसीलिए करते हैं कि अगर एक में इनके समय नुकसान हो जाता है तो दूसरी फसल से हमारी रिकवरी हो जाती है। अमरेंद्र अभी 60 एकड़ जमीन पर खेती कर रहे हैं। इनमें 30 एकड़ जमीन पर पारंपरिक फसल और बाकी की 30 एकड़ जमीन पर केला, तरबूज, मशरूम, खरबूजा, हल्दी, स्ट्रॉबेरी और खीरा जैसे करीब 1 दर्जन से ज्यादा फल और सब्जियां उगा रहे हैं। जल्द ही अमरेंद्र अपने खेतों के इन प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी लेकर आएंगे। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।